फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आती है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पढ़ाई करते वक्त नींद नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ाई करते वक्त नींद आती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो 100% आपको पढ़ाई करते वक्त नींद नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि पढ़ाई करते वक्त नींद से कैसे बचें। तो फ्रेंड देखिए, जो नींद की प्रॉब्लम है यह लगभग 80% स्टूडेंट के साथ होती है। वह जब पढ़ने बैठते हैं, आधे घंटे एक घंटे पढ़ने के बाद उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हमको बचना चाहिए कि हमको नींद ना आए, तो चलिए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नंबर वन जो टिप्स है वह यह है कि चेंज योर प्लेस। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक घंटे दो घंटे जब आप पढ़ लें तो अपनी जगह को चेंज कर दें, कि क्या होगा कि आपको बोरियत महसूस नहीं होगी और आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप एक ही जगह पर बैठकर दो घंटे तीन घंटे पढ़ेंगे तो आपको उस जगह से बोरियत महसूस होने लगेगी और आप बहुत जल्द सो जाएंगे। तो सबसे पहले टिप्स आपको यही फॉलो करनी है कि आपको जगह को चेंज करते रहना है एक घंटे डेढ़ घंटे बाद, जिससे कि आप फ्रेश फील कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो फ्रेंड, दूसरी जो टिप्स है वह यह है कि आप चेयर पर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, लगभग 90% स्टूडेंट जो कि बेड पर पढ़ते हैं, तो आपको बेड पर नहीं पढ़ना है, आपको चेयर और टेबल पर पढ़ना है। क्योंकि जब आप टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और आपको नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आप बेड पर पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लेट कर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको कम्फर्ट मिलता है और आपको बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो आपको दूसरी टिप से यही फॉलो करनी है कि आपको टेबल और चेयर पर बैठ कर पढ़ना है। आपको चेयर पर भी बैठने में थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब भी आप चेयर पर बैठें तो पीछे टेक लेकर ना बैठें। बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो वह पीछे टेक लेकर पढ़ते हैं, जिससे कि उनको बहुत जल्दी नींद आ जाती है चेयर पर भी। तो आपको पीछे टेक लेकर नहीं बैठना है, आपको थोड़ा टाइट बैठना है, जिससे कि आपको नींद ना आए। तीसरी जो टिप्स है वह यह है कि जब भी आप पढ़ने बैठें, आधा घंटा एक घंटा जब आप पढ़ लें तो क्या करिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में आप क्या करिए कि आप पानी पीजिए या कुछ खा लीजिए या जो है कि अपना मुंह धो लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप फिर से फ्रेश हो जाएंगे और आप फिर से जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका पूरा जो है फोकस केवल पढ़ाई पर होगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि लगातार बैठ के पढ़ते ही रहें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो इससे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाएंगे और आपको नींद आने लगेगी। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठें तो आधे घंटे एक घंटे के बाद आपको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में आपको 5 मिनट कुछ भी कर लेना है, जो भी आपका मन करे, इससे कि आपका पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा लगेगा। फ्रेंड्स, यह 3 टिप्स आप ज़रूर फॉलो करिएगा, 100% आपको नींद कभी नहीं आएगी पढ़ते वक्त। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।